हेलो, कैसी हो? मेहमान चले गए? जी, चले गए। तो फिर क्या रिस्पांस था उन लोगों का? बस जाहिर तो पॉजिटिव रिस्पांस था, आगे अल्लाह ही जाने। डोंट वरी साइमा, आप ही की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी इंशाल्लाह। अगर तुम भी आ जाती तो अच्छा होता, मोहसिन भाई से मुलाकात हो जाती। यार मैं आना तो चाह रहा था लेकिन मैं बिजी था, तुम जानती हो ना। अगर कहो तो अभी आ जाओ। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो गेस्ट चले गए हैं। तो कोई बात नहीं, तुम तो हो ना? हाँ मैं तो घर पर ही हूँ लेकिन वो सब समझता हूँ। कितनी डरपोक हो तुम। खैर कोई बात, मैं कल आ जाऊँ, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और क्या सही बात है, एकदम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बू, अपना हक लेके रहेंगे हम उनसे। हाँ और अगर नहीं देंगे तो हम अदालत में जाके केस करेंगे। हाँ अरे देंगे देंगे क्यों नहीं, उनके तो अच्छे भी देंगे, लेकिन ये औरत बने ना लेने वाली। मैं 25 साल पहले ये सारा झगड़ा खत्म कर चुकी हूँ। पूरी बात बताओ ना बत्तो, कैसे टका सा जवाब दिया था तुम्हारे भाई ने और घर से निकाल दिया? ठीक है, तुमने तो सिलाई कढ़ाई में दिल लगा लिया, हॉबी थी तुम्हारी। मैंने जैसे तैसे इसी भूख और गुर्बत में जिंदगी गुजार दी, इसका दुख नहीं। जो भी है छोटा मोटा काम करता हूँ, पहले भी किया, तुम तीनों को पाला है, अब भी करता रहूंगा जब तक इस जान में जाने करता रहूं। ज्यादा दुख नहीं, दुख सिर्फ इतना है कि मेरे बच्चे जो है ना वो भी इसी तरह सिसक के गुर्बत में मर जाए। मत रोए अबू, आप प्लीज मत रोए, अब उनके रोने का वक्त आ गया, आप मत रोए। आप उठे और जाएं, सुबह जाके हक मांगे मामू से अपना। अरे तुम्हारे अब्बू के कहने पर मैंने अपने भाई से हर रिश्ता और ताल्लुक खत्म कर दिया। हाँ तो ताल्लुक जोड़ने का कौन कह रहा है, आपने अपना हक मांगना है उनसे, वो तो कभी भी मांग सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है ये, हमारे पैसों पे उनके बच्चे अय्याशी क्यों करें, हम अपना हक लेकर रहेंगे। लेंगे बच्चे लेंगे, ये जाएगी उनके घर, कल सुबह जाएगी, हक लेंगे हम। और अगर वो सीधे तरीके से हक नहीं देंगे ना तो केस लड़ूंगा मैं उनके खिलाफ, और मैं अपने बच्चों का जो हक है ना वो मैं जाया नहीं होने दूंगा, इनको इनका हक लेके दूंगा। ठहरा दे, तू मैं समझाता था। आ जा मेरे बच्चे, आ जा मेरे बेटे।